आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी वीडियो में से नॉइज कैसे रिमूव कर सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल फोन में ही। इसके लिए आपको कोई अपना ऑडियो अलग नहीं करना पड़ेगा, वीडियो अलग नहीं करना पड़ेगा। एक सिंपली वही जो वीडियो आपने ऐसे रिकॉर्ड किया, ये देखो ऊपर पंखा चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक आउटडोर भी मिसाल है जो मैंने आपको दिखाई हुई है, बाहर भी जाके मैंने शूट किया, उसमें से भी कोई शोर नहीं आ रहा मेरी वीडियो में। अगर आप लोग आउटडोर हो तो यहाँ पे भी आप लोग अपनी नॉइज को रिमूव कर सकते हो, बस शर्त ये है कि आपको ऊंचा बोलना होगा ताकि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो रिमूव हो सके और आपकी आवाज है जो वो कम ना हो। अभी भी आपको पंखे की कोई आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे आप लोग ऑडियो की वेव्स देख सकते हो कि ऑडियो पहले किस तरह से था, रिकॉर्ड किस तरह से हुआ, और ऑडियो पे डीनोइजर लगाने के बाद, और ये देखो कितनी क्लियर आप लोगों को ऑडियो सुनाई दे रही है, शोर आपकी वीडियो से बिल्कुल खत्म। और इसकी सबसे मजे की बात, आप लोग ये सब कुछ कर सकते हो अपने ही मोबाइल फोन में। जी हाँ जी, कैपकट का ट्यूटोरियल है, कैपकट को आपको बस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो तरीके बताए, एक इनडोर भी है जो अभी आप देख रहे हो मैंने डीनोइजर लगाया हुआ है, और एक आउटडोर भी जो मैंने शूट करके लाया, और वो भी आप लोगों को उसके ऊपर डीनोइजर लगा के बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखना है क्योंकि हर एक चीज आपके काम किया। तो यहाँ पे आप मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते और जल्दी से चलते हैं, कैपकट ओपन करते हैं और अपने ऑडियो पे डीनोइजर लगाते हैं और अपनी आवाज क्लियर सुनाते हैं आपको। तो जनाब ये वीडियो, जिस वीडियो एडिटर में हम लोग एडिट करने वाले हैं, उसका नाम है कैपकट। ये रहा हमारे पास कैपकट और हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये रहा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने उस क्लिप को सिलेक्ट करना है जिसमें से आपने अपने ऑडियो की नॉइज को रिमूव करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जाके क्या करना है, अपना कैपकट का जो लोगो है उसको रिमूव कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इस जगह पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, सिलेक्ट हो जाएगी आपकी वीडियो। और ये जो आपको ये नीचे मेन्यूज नजर आ रहे हैं, इसको आपने ऐसे स्लाइड करना है। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी याद रखनी है, आप अपनी इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। ये देखें, इस तरफ करेंगे ना जब, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, रिड्यूस नॉइज। इसके ऊपर क्लिक करना है जब, तो ये देखें ये वाला बटन, ये रिड्यूस नॉइज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे आप तो आपकी वीडियो में से नॉइज रिमूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, 2 से 3 सेकंड लेगा, उसके बाद आप इसको क्लिक कर दें। ठीक हो गया, ये आप करने के बाद मतलब आपकी वीडियो में से नॉइज रिमूव हो चुका है। आप लोग यहाँ पे इसकी वेव्स को देख सकते हो, वीडियो बनी कैसी थी, शोर कितना था, और नॉइज रिडक्शन लगाने के बाद ये किस तरह की हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये एक और वीडियो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये आउटडोर की वीडियो है। ठीक है, ये देखो एक और मिसाल आप लोगों को, एक और कितना ज्यादा शोर है। तो इस पर मैं क्या करूंगा, अपनी इस वीडियो को क्लिक करूंगा और ये जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं इसको ऐसे स्लाइड करूंगा, तो एक ऑप्शन आएगा मुझे रिड्यूस नॉइज का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इस दफा भी मुझे क्या करना है, इस बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करेंगे जब आप, तो आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हम इस वीडियो को करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, इसे क्लिक कर देंगे, इस जगह पे हम क्लिक करेंगे और ये आपकी वीडियो 1080 में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब जनाब आप इसको जहां मर्जी अपलोड करें, आपका मसला हल हो चुका है। आपको जहां कहीं पे भी शोर आता था आपकी वीडियो में, अभी भी बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे, तो ये देखें एक ही क्लिक के अंदर आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। पंखे की आवाज, डीनोइजर, एक बटन और आपकी वीडियो कंप्लीट। तो छोटा सा वीडियो था लेकिन बड़े ही काम का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूं आपके काम आया होगा। अगर आपके काम नहीं आया तो दोस्तों को शेयर कर दो, शायद उनके काम आ जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सवाल है या मुझे कोई भी, आप कोई भी चीज बताना चाहते हैं या खुद कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, तो जनाब ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें या फॉलो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही चीज कह के जाऊंगा, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको आती है ज्यादा पसंद तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तखलिया।